आज से ठीक 20 साल पहले ही लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने पार्लियामेंट हाउस में आज श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, 2001 में संसद हमले के शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आतंकियों से सुरक्षित रखने के लिए जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मैं संसद पर हमले के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2001 में शहीद हुए सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में राष्ट्र के गौरव की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी बहादुर सुरक्षा बलों के साहस व शौर्य को कोटिशः नमन करता हूँ। आपका अद्वितीय पराक्रम व अमर बलिदान सदैव हमें राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, देश आज उन वीर सपूतों को नमन करता है जिन्होंने 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी कर्तव्य निष्ठा तथा मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण वंदनीय है। कृतज्ञ राष्ट्र उनका स्मरण करते हुए आतंकवाद के समूल विनाश के अपने संकल्प को दोहराता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शहीदों को याद करते हुए कहा, 13 दिसंबर 2001 को हमारे पराक्रमी जवानों ने आतंक का मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश की संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को विफल कर दिया था। उनके साहस, शौर्य और समर्पण का ये देश सदैव ऋणी रहेगा। मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी जवानों को नमन। बता दें कि 20 साल पहले लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने पार्लियामेंट पर हमला करते हुए गोलियां चलाई थी। इस गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई आतंकवादी भी मारे गए थे। इस आतंकी हमले के पीछे मोहम्मद अफसल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन सहित पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल थे। INS रिपोर्ट।